सीएनसी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में भारत देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को स्वच्छ बनाने का एक सपना बुना। इस सपने को साकार करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई, लोगों को जागरूक किया गया, एक बड़ा बदलाव भी आया। प्रधानमंत्री के सकारात्मक सपने को साकार करने में काफी लोग और संस्थाएं भी अपना सहयोग दे रही हैं। एक ठोस रणनीति और तकनीक के जरिए ई स्वच्छ कंपनी भारत में वेस्ट मैनेजमेंट में एक अनूठा, लाजवाब और बाकमाल उदाहरण है। भारत में हर साल 62 मिलियन मीट्रिक टन वेस्ट होता है, इसमें से महज 1.6 लाख टन का ही उचित प्रबंधन हो पाता है, बाकी शेष कचरे का निष्पादन नहीं होता है। हर साल वेस्ट में 4-5% की वृद्धि होती है। कचरे को एकत्रित करने से लेकर उसका प्रोसेस करने और उसको कंपोस्ट करने को लेकर कुछ बरस पहले गौरव वाही और सीपी सिंह ने एक बड़ी पहल की। इसी पहल की कवायद में उन्होंने ई स्वच्छ कंपनी की शुरुआत की। तकनीक और ठोस रणनीति के चलते गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे महानगरों में ई स्वच्छ कंपनी आज वेस्ट मैनेजमेंट में एक मिसाल कायम कर चुकी है। इन दोनों ही महानगरों में 10 टन तक के वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट स्थापित किए गए हैं। खास बात यह है कि यह कंपनी न केवल ठोस योजना के तहत वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रही है, बल्कि नागरिकों की ओर से कचरा प्रबंधन को लेकर किए जाने वाले व्यवहार में भी एक बड़ा बदलाव जागरूकता के जरिए ला रही है। कंपनी के पास प्रशिक्षित लोगों की एक कुशल टीम है। इस कंपनी के सीईओ से लेकर ड्राइवर तक अपने काम को संजीदगी से करते हैं। कंपनी 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करती है: वेस्ट का उचित तरीके से कलेक्शन करना, कचरे को श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत करके अलग अलग करना और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके उसे कंपोस्ट करना। यह सारी प्रक्रिया बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। कंपनी के सीईओ और संस्थापक गौरव वाही के अनुसार प्राकृतिक तरीके से ही वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। जाहिर है कि कंपनी के सीईओ गौरव वाही की माने तो ई स्वच्छ बेमिसाल काम कर रही है। कचरे को लेकर लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, एक ठोस कचरा प्रबंधन निधि को अमली जामा पहनाकर उसे निरंतर बरकरार रखना भी बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, कंपनी ने 30 दिन की अवधि के भीतर ही अपेक्षा से कहीं बेहतर परिणाम सामने लाकर दिखाए हैं। कंपनी के सीटीओ और संस्थापक सीपी सिंह मानते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ की गई पहल हमेशा सार्थक होती है। कंपनी के सीटीओ सीपी सिंह और गौरव वाही के द्वारा किए गए समाज और प्रदेश के देश के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्य की जहां चारों ओर प्रशंसा हो रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में भी गौरव वाही और सीपी सिंह जैसे लोग अपनी एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएनसी न्यूज़ इंडिया।